CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त कविता रावत और आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, कहां, कैसे और कब। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि क्या आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ते समय या हिस्ट्री चैनल देखते समय यह सुना कि 4000 वर्ष पहले या 200 साल पहले एक घटना घटी। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि इन घटनाओं की जानकारी हमें कैसे मिलती है, कैसे हम जानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया या बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। स्टूडेंट्स, यह सारी जानकारी हमें अलग अलग सुरागों से मिलती है जिन्हें हम हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं। हम इन सोर्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पहला लिटरेरी और दूसरा आर्कियोलॉजिकल, मतलब साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेस में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है या जिनमें कुछ लिखा हुआ हो। पुराने समय में पत्तों या पेड़ की छाल में लिखा जाता था। ये पत्ते मेनली पाम के पेड़ के होते थे, मतलब ताड़पत्र। इन सभी ताड़पत्रों को एक साथ बांध दिया जाता था और एक किताब का रूप दिया जाता था जिसे हम पांडुलिपि कहते हैं। कई पांडुलिपियों को समय के साथ कीड़ों ने खा लिया और कई खराब हो गई। फिर भी हमें कई पांडुलिपियां मिलती हैं जिनमें कई चीजों के बारे में लिखा है, जैसे कि राजाओं के बारे में, विज्ञान के बारे में, एपिक्स जैसे महाभारत, रामायण, कविताएं और बहुत सारी ऐसी चीजें। ये पांडुलिपियां संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल भाषा में लिखी जा रही थी। पुरातात्विक स्रोतों में इंस्क्रिप्शंस अभिलेख एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। इंस्क्रिप्शंस को पत्थर या मेटल में, मतलब किसी हार्ड सरफेस में लिखा जाता था। कई बार राजाओं के ऑर्डर्स, उनकी विक्ट्रीज को इन अभिलेखों में लिखा जा रहा था। इंस्क्रिप्शंस के अलावा कई और पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, टूल्स, वेपन्स, क्वाइंस एंड मॉन्यूमेंट्स। जो स्कॉलर्स इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को खोजते व पढ़ते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो स्कॉलर्स लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को पढ़ के उनकी व्याख्या या इंटरप्रिटेशन करते हैं उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। सोचने वाली बात यह है कि इन इंस्क्रिप्शन में लिखी भाषा और लिपि को जानने के लिए स्कॉलर्स क्या करते हैं। स्कॉलर्स एक प्रोसेस का यूज करते हैं जिसे हम डेसिफरमेंट या स्पष्टीकरण कहते हैं। डेसिफरमेंट को जानने के लिए हम एक स्टोरी सुनेंगे जो इजिप्ट की है। इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में एक टाउन है जिसका नाम रोसेटा है। यह इजिप्ट की कहानी हमें डेसिफरमेंट के बारे में बताएगी। तो रोसेटा में एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें अलग अलग भाषाओं व लिपियों में लिखा गया। ग्रीक स्कॉलर्स ने ग्रीक और इजिप्शियन अक्षरों को अगल बगल में रखकर इजिप्शियन लेटर्स के साउंड को आइडेंटिफाई किया, और इस प्रकार उन्होंने जब एक बार यह समझ लिया कि कौन से लेटर्स किस चीज के लिए यूज होते हैं, वह अन्य इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सके। तो बच्चों, इन सोर्सेस से
हम बहुत सारी जानकारियां पा सकते हैं, जैसे लोग पहले क्या खाते थे, क्या पहनते थे या कैसे रहते थे। इतिहास को ब्रॉडली तीन पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री 6000 BC से 650 CE तक के इतिहास को कहा जाता है। BC बिफोर क्राइस्ट के लिए लिखा जाता है, जिसका मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का पीरियड। कई बार BC की जगह BCE का यूज भी होता है, जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। और कई बार BC या BCE की जगह BP का यूज भी होता है, जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले का समय। आप कई बार डेट से पहले AD लिखा पाते होंगे, इसका मतलब एनो डोमिनी, मतलब इन द ईयर ऑफ लॉर्ड है। यहाँ भी लॉर्ड से मतलब जीसस क्राइस्ट से है। तो हम 2020 को AD 2020 भी लिख सकते हैं, या हम इसे 2020 CE भी लिख सकते हैं। CE कॉमन एरा के लिए लिखा जाता है, और कॉमन एरा का मतलब वह समय से है जिस समय में हम रह रहे हैं। आप क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, और 7 में मेडिवल, और 8 में मॉडर्न। क्या आपने नोटिस किया कि आपकी किताब का नाम है हमारे अतीत, आर पास्ट्स। पास्ट टर्म को यहाँ प्लूरल सेंस में यूज किया है, हमारे अतीत। तो यहाँ वर्ड पास्ट से मतलब है अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग लोगों के इतिहास से। और हमारा फोकस इस किताब में यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के पास्ट के बारे में पढ़ें, चाहे वह पास्ट राजा रानियों का हो, ट्रेडर्स का हो, मर्चेंट्स का हो या किसानों का हो। इन सभी ग्रुप्स का जीने का तरीका अलग अलग हुआ करता था। जैसे आज भी कल्चरल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डाइवर्सिटी की वजह से लोग अलग अलग तरह की लाइफ जीते हैं, परंतु इन सब डाइवर्सिटीज के बाद भी हमारे बीच कई समानताएं हैं। वैसे ही इतिहास में भी लोगों के बीच विभिन्नताएं तो थी, परंतु अलग अलग समुदाय आपस में सामंजस्य बनाए रखते थे, उनके आपसी रिश्ते होते थे। चलिए अब बात करते हैं आपके अध्याय की, जिसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे। तो हिस्ट्री पढ़ते समय हम इन चार शब्दों में जोर डालते हैं, जैसे कि कोई इवेंट क्या था, वह कब, कैसे और कहां घटित हुआ। आप यह तो जानते ही हैं कि आज की सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे धर्म, कल्चर, फेस्टिवल्स, ऑक्यूपेशंस, खान पान, रहन सहन अलग अलग होने के कारण सोसाइटी में बहुत सारे डिफरेंशिएशन हैं। लोगों की नीड्स और ग्रीड दोनों ही बढ़ रहे हैं, और आज हम चाहते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हों, अच्छा घर हो, अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जिससे हम एक कंफर्टेबल लाइफ जिए। पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा समय भी था जब लोग बस अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जीते थे। अब हम ऐसे ही एक ग्रुप की बात करेंगे जिन्हें हंटर गैदरर या शिकारी संग्राहक समुदाय कहते हैं। ऐसे ग्रुप्स अपना जीवन यापन हंटिंग और जंगलों से एडिबल, खाने योग्य चीजें इकट्ठा करके करते थे, इसीलिए इन्हें हंटर गैदरर्स कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम देखते हैं कि पहले भी लोग पानी के सोर्सेस के पास ही रहा करते थे। मेनली लोग नदियों के पास रह रहे थे। सुलेमान और किरतार हिल्स, जो कि पाकिस्तान में हैं, विंध्यास
जो कि मध्य प्रदेश में है, गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में है और नर्मदा नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। इन सभी को आप अपनी किताब में दिए गए मानचित्र पर ढूंढ सकते हैं। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है? यह नदी अमरकंटक से निकलती है तथा मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। कहा जाता है कि लगभग कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यहाँ हम अर्ली पीपल मतलब पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, आरंभिक लोगों की बात कर रहे हैं। तो कई लाखों वर्ष पहले भी लोग यहाँ रहते थे और यहाँ पर कुछ संग्राहक रहते थे जिन्हें स्किल्ड गैदरर्स कहा जाता था, क्योंकि यह अपने काम में कौशल होते थे और उनका काम होता था गैदरिंग करना, मतलब जंगल से कंदमूल, खाने योग्य जो भी फल फूल होते थे उन्हें इकट्ठा करना। अब हम जानेंगे कि कैसे धीरे धीरे लोग हंटर गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बने। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ उगाने के प्रमाण हमें सुलेमान और किरथार हिल से मिलते हैं जो आज पाकिस्तान में है। इस समय लोगों ने एनिमल रियरिंग भी शुरू कर दी थी। इसका मतलब लोग अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। जब हम आरंभिक लोगों की बात करते हैं, जब लोग हंटर गैदरर्स थे, उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, खाने की तलाश में, जानवरों की तलाश में, पानी की तलाश में, वे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। जब लोग फूड प्रोडक्शन करने लग गए, वे एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे। तो इसीलिए जब से फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, एनिमल रियरिंग स्टार्ट हुई, पशुपालन स्टार्ट हुआ, तब से लोग सेटल्ड लाइफ जीने लगे। नॉर्थ ईस्ट के गारो हिल्स और सेंट्रल इंडिया के विंध्याज में भी खेती शुरू हो गई थी। सबसे पहले चावल भी विंध्याज में ही उगाया गया था। विंध्याज आज के मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। खेती शुरू हो जाने से लोग सेटल्ड लाइफ तो जी रहे थे, परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि वे हंटिंग या गैदरिंग नहीं कर रहे थे। हंटिंग गैदरिंग के साथ साथ अब फूड प्रोडक्शन भी शुरू हो गया था। इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियों के किनारे भी कई आरंभिक नगरों का विकास हुआ, जिसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इंडस को हिंदी में सिंधु कहा जाता है। इंडस की सहायक नदियां चेनाब, सुतलज, झेलम, बेस और रावी हैं। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी कई नगरों का विकास हुआ। आपने मगध के बारे में कई कहानियां पढ़ी होंगी या सुनी होंगी। मगध गंगा के किनारे ही बसा हुआ एक बहुत बड़ा राज्य था, जहां कई राजाओं ने राज किया, जिनके बारे में भी आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे पास कई तरीके हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकते हैं। हमारे पास कई तरीके हैं यातायात के, जैसे कि गाड़ी, बस, रेलगाड़ी, एयरप्लेन। इन यातायात के साधनों की मदद से हम अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से मिलने जा सकते हैं। हम स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, अपने वर्कप्लेस जा सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पहले जब इतने साधन नहीं थे, तब लोग कैसे और क्यों ट्रैवल करते होंगे। जब लोग सेटल लाइफ जीने लगे और सोसाइटी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती गई, लोगों ने ट्रेड स्टार्ट कर दिया, लोग काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे,
यह लोग या तो पैदल जाते थे या बड़े बड़े व्यापारी काफिलों या जहाजों में सामान लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। लोगों के एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण आपस में काफी चीजें एक्सचेंज होने लगी। नए नए आइडियाज, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस भी लोगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कई बार एक ही वर्ड के कई अर्थ होते हैं? जैसे हिंदी या इंग्लिश को ही ले लीजिए। इंग्लिश में राइट का मतलब करेक्ट होता है और राइट का मतलब सीधा, मतलब लेफ्ट का ऑपोजिट भी होता है। एक और एग्जाम्पल है बुक। बुक का मतलब किताब तथा बुक का मतलब रिजर्वेशन भी होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि क्या आपने ट्रेन की टिकट बुक करा दी। अब सोचिए, हमारी कंट्री को हम कितने नामों से जानते हैं। हम अपनी कंट्री को कई नामों से जानते हैं, जैसे भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। सो ये सभी नाम के पीछे एक इतिहास है। करीब 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस या इंदोस कहा था और इस नदी के ईस्ट की जगह को इंडिया। तभी से हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। भारत नाम का इस्तेमाल नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले एक छोटे से ग्रुप के लिए किया जाता था और आज हम इसे पूरी कंट्री के नाम के लिए यूज करते हैं। तो कई बार शब्दों का यूज उसके टाइम पीरियड और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि हम किसी शब्द को यूज़ करने से पहले उसके मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को समझ लें। तो बच्चों, आज हमने अपनी बुक आर पास्ट, हमारे अतीत के पहले अध्याय के बारे में बात की और यह भी समझने की कोशिश की कि कैसे हिस्ट्री हमारे प्रेजेंट से जुड़ी है। जब भी हम हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ें, हमें उन सारी चीज़ों को अपने प्रेजेंट से रिलेट करके देखना चाहिए। आज हमने यह जाना कि इतिहास को कैसे पढ़ा जा सकता है, अतीत को जानने के क्या सुराग या सोर्सेज हैं, हमारी किताब के नाम का मतलब क्या है, इतिहास में BC, BCE, BP, AD और CE का क्या मतलब होता है। हमने यह भी जाना कि शिकारी संग्राहक समुदाय कैसे अपना जीवन यापन करते थे, वे कैसे फूड प्रोड्यूसर्स बने, कैसे वे आरंभिक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और हमारे देश के नाम के अतीत के बारे में भी हमने चर्चा की। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। पहला प्रश्न है, पांडुलिपियां तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताइए। तो इस क्वेश्चन में आपको पांडुलिपि और अभिलेख के बीच, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन के बीच एक प्रमुख, एक सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बताना है। पांडुलिपियां जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, वो किस में लिखी जाती थी, हमने डिस्कस किया था, हमने चर्चा की थी कि पांडुलिपियां मेनली ताड़ के पत्रों में लिखी जाती थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्रों में लिखी जाती थी और अभिलेख जो थे वे पत्थर या धातु में लिखे जाते थे। तो ये जो डिफरेंस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है पांडुलिपि और अभिलेखों के बीच। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप यह सूची बना पाए होंगे, जिसमें आपने औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, हड्डियाँ, पत्थर व ईंट की इमारतों को लिखा होगा। जी बच्चों, ये सारी चीज़ें
आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का पार्ट है औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के, हड्डियां तथा इमारतें। अब हमें इनमें से जो वस्तुएं पत्थर की बनी होंगी उन्हें अलग करना है। तो औजार भी पत्थर के बनते थे पहले। आरंभिक लोग बहुत सारे औजारों का यूज करते थे जो पत्थर के बनते थे। हथियार का यूज करते थे, कई हथियार भी पत्थर के बनते थे। बर्तन तथा इमारतें, ईंट और पत्थर की इमारतें, ये सारी चीजें पत्थरों की बनती थी। चलिए अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं कर सकते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? साधारण मतलब कॉमन लोग अपना हिस्ट्री क्यों नहीं लिखते थे, अपना इतिहास, अपना अतीत क्यों नहीं लिखते थे? आप क्या सोचते हैं? पहली बात, साधारण लोग, उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो पांडुलिपियाँ लिखे। पांडुलिपियाँ लिखना या मैन्युस्क्रिप्ट लिखना एक बहुत ही टीडियस वर्क है। तो हम कह सकते हैं कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण शायद इसलिए नहीं करते थे या इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि उन्हें पांडुलिपियाँ बनाना नहीं आता था या उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो पांडुलिपियों को लिखें और मेंटेन करें। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी? तो हमने ये भी चर्चा की थी कि पुस्तकें किन किन सब्जेक्ट्स के ऊपर, किन किन विषयों पर लिखी जा रही थी। हमने पढ़ा था कि कई पुस्तकें धार्मिक मान्यताओं के ऊपर लिखी गई थी, राजाओं के जीवन के ऊपर लिखी गई थी, मेडिसिन औषधियों के ऊपर लिखी गई थी और साइंस विज्ञान के ऊपर। कई कविताएं और नाटक भी लिखे जा रहे थे और कई महाकाव्य एपिक्स भी लिखे गए थे जैसे रामायण और महाभारत। चलिए अब एक और प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। तो यह प्रश्न है, हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह हमने सबसे पहले इस प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी कि हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को पता होगा कि अतीत के बारे में हम साक्ष्यों या सुरागों से जानते हैं जिन्हें हम हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं और इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनको हम आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, साहित्यिक तथा पुरातत्विक सोर्सेस। स्टूडेंट्स, हमने इस अध्याय में कुछ नए शब्द पढ़े जिनकी परिभाषाएं आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, जैसे कि अभिलेख, पुरातत्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत तथा सहायक नदियाँ। आप सुलेमान और किरथार हिल, विंध्यास, गारो हिल्स, नर्मदा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी तथा गंगा नदी को भारत के पॉलिटिकल मैप में लोकेट करके अपनी नोटबुक पर पेस्ट कीजिए। तो बच्चों, आज हमने इस अध्याय में यह जाना कि आधुनिक लोग आरंभिक लोगों से कैसे भिन्न थे, कैसे आरंभिक लोग अपना जीवन यापन करने के लिए हंटिंग और गैदरिंग पे डिपेंड करते थे, कैसे धीरे धीरे उन्होंने फूड प्रोडक्शन स्टार्ट किया और वह डेवलपमेंट की ओर बढ़े, कैसे आरंभिक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफिलों तथा जहाजों का प्रयोग करते थे। हमने ये भी जाना कि भारत को किन नामों से जाना जाता था और इन नामों का अतीत क्या है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस लेक्चर से आपको मदद मिलेगी और यह अध्याय आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने सुना पाठ्यक्रम पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण अजीत होरो तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।